अगर तुम आ जाओगे ना, अगर तुम वोट दोगे, तुम्हें मुसलमान मार देंगे। अगर तुम ना माँ का दूध पिया तो अपनी बहन की रक्षा ना इस ताकत से करेंगे हम, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, जो हमारी बहन को कुछ कहेगा ना तो उसको हम जिंदा जला देंगे। हमारी कोई मांग नहीं, हमारी मांग है जी कि OBC को जो 27% आरक्षण मिला उसका डिवाइडेशन हो जाना चाहिए। कोई MP MLA बनेगा, क्योंकि इनके पार्टी में भी टिकटों का बंटवारा होता है, पैसे होते हैं। राम मंदिर बनाने के लिए ना आडवाणी ना दिन रात एक कर दी, पूरा जिंदगी लगा दी, लेकिन आडवाणी को जो उस प्राण प्रतिष्ठा की बेदी तक नहीं लाए। उनको सुपर कैटेगरी में करता उनका ऐसी हिसाब से हिस्सा दे दिए, उसके बातों के जरिए से उसे हतोत्साहित करेंगे ना, कभी मारा वोट ना खसक जाए। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लिटिक भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो लगातार आरक्षण की मांग की जाती है, और इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद है, वहाँ पर देखा जाए तो अति पिछड़ा समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। और यहाँ पर केंद्र सरकार की बात की जाए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि सबका साथ सबका विकास, सब लोग बराबर है। तो यहाँ पर सीधा जनता से जानते हैं कि बातों में कितनी सच्चाई है और क्या मांगे हो रही है, सीधा मांग बताइए पहले। देखो, हमारी कोई मांग नहीं, हमारी मांग है जी कि OBC को जो 27% आरक्षण मिला उसका डिवाइडेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 17 जाति ना अति गरीब जाति है, आप उनका सर्वे करवा लीजिएगा। केंद्र सरकार से कह रहा हूँ कि उनका सर्वे करवा लीजिएगा, वे अति जाति है। पहले उनको जो 80 में सेट करना चाहते थे, लेकिन 80 वालों ने सुप्रीम कोर्ट से सेल ले लिया। वे कह रहे हैं कि आप अपना हिस्सा लाइए जब आपको सेट हो सके। तो मेरा मानना देविंदर जो कश्यप है ना, रात दिन एक कर रखा है उन्होंने, घर घर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों की स्थिति खराब हो, आप इसका डिवाइडेशन कर दो। डिवाइडेशन ऐसे करना चाहते हैं कि जितनी 17 जाति है उनका जनसंख्या घनत्व करवा कर जिनका उतना जितना हिस्सा बांटता है, अगर उनको 12% बांटता है 12%, 13% बांटता हो तो 13% उनको अलग दे दीजिए, और जो बिल्कुल मध्यम किस्म की उनका जितना हिस्सा बांटता है उन्हें दे दीजिए। जो सुपर जाति है जिनके राजनीतिक में MP MLA हैं, जमीन भी है, ट्रैक्टर भी है, टोली भी है, और बड़े बड़े पार्क भी है, होटल भी है, उनको सुपर कैटेगरी में करके उनका ऐसी हिसाब से हिस्सा दे दीजिए। इस नियम से ना गरीब लोगों का भला होगा। यहाँ पर जातिगत जनगणना की बात हो रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं कराएंगे। वे डरते हैं ना, मोदी जी कह रहा है कि हमारे लोगों की आनी चाहिए। मैं मोदी के बिलवेल विसरों को कहना चाहता हूँ, अगर यह जाति जनगणना नहीं हुई ना तो ये जो बड़े बड़े लाला ना जितने इतने बड़े बड़े नोट है वही MP MLA बनेगा, क्योंकि इनके पार्टी में भी टिकटों का बंटवारा होता है, पैसे होते हैं, राज्यसभा भेजने के लिए घर घर भेज देते हैं नेता। तो वही लोग जाएंगे जिनके पास अपना पैसा होगा। अगर जाति जनगणना होगी उनका पता लग जाएगा इस समाज की इतनी जनसंख्या है, उतनी लोग है, और फिर मैं जो उस पर ध्यान भी देंगे कि हमारा वोट इतना कभी हमारा वोट ना खसक जाए। तो जाति जनगणना कांग्रेस ने, लेकिन भाजपा तो कह रही है ना कि विपक्ष जो है वो जाति में बांटने की कोशिश कर रहा है लोगों को, लोगों में भेदभाव लाने की कोशिश कर रहा है। ये जो है ये महामूर्ख है, ये जो प्रधानमंत्री है ये भी महामूर्ख है, मोदी जी को कह रहे हैं। क्योंकि आप संजय, मैं केस लग जाए कोई बात नहीं, क्योंकि जनसंख्या जब कोई अधिकार मांगेगा तो उसे बातों से जरिए से ना उसके बातों के जरिए से उसे हतोत्साहित करेंगे। जब ये अधिकार मांग रहे हैं और जाति से कोई जातिवाद नहीं फैलता है, जाति का जब हम आज भी कॉमन हुए चमार का, झीमर का, कुमार का, गडरे का कहकर पूरा करते हैं, तो वहाँ जातिवाद खत्म कहाँ हो रहा है। तो ऐसे बेवकूफ प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, जातिवाद नहीं फैंबला रहे, न जाति को तोड़ रहे, न हिंदू धर्म को तोड़ रहे, न कमजोर कर रहे, ये तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं, ये तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं, क्योंकि हिस्सा मांगना जातिवाद नहीं होता, अपना अधिकार होता है। लेकिन आप देखिए ना कि हिंदुत्व को तो स्ट्रांग करते जा रहे हैं ना मोदी जी, तो जाति में बांटने का क्या ही मतलब, हिंदुत्व तो स्ट्रांग हो रहा है ना हमारा। देखिए, ये धर्म के नाम पर जो राजनीति लाए, अभी इन्होंने एक काम किया, राम मंदिर बनवा, राम मंदिर बनाने के लिए ना आडवाणी ना दिन रात एक कर दी, पूरा जिंदगी लगा दी, लेकिन आडवाणी को जो उस प्राण प्रतिष्ठा की बेदी तक नहीं लाए। और जो मोदी है ना, मोदी प्रधानमंत्री था, उसको जो प्राण पेती पे बैठा दिया, जबकि हिंदू रीति रिवाज में ऐसा है जिनकी पत्नी साथ नहीं रहती या डाइवोर्स होगा वो प्राण प्रतिष्ठा या सामाजिक में नहीं करता, लेकिन इन्होंने सबको एक किनारे कर दिया। तो यह नहीं, अपने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने का काम तो 6 लोगों ने किया, सुन लीजिए वीडियो देखने वालों, ए भाजपा के लोगों सुन लीजिएगा, सब प्रथम जो है सात तक के बटने की, दूसरी तरफ जो वन वन भटक रहे थे ना भूखे तिसाए सबरी ने झूठे फेर खाकर उसकी भूख मिटाई, तीसरा जो सहायता की जो नल नील नाम के व्यक्ति ने बहुत बड़े जो होशियार थे उन्होंने पत्थर से पुल बनाने में सहायता दी, चौथी सहायता की आदिवासी लोगों ने सेना तैयार करके और जो रावण को हराया,
पांचवी शहादा इतनी महत्वपूर्ण उनका वंश चलाने के लिए वाल्मीकि महाराज ने सीता को रखा और उनके जो पुत्र थे ना लवकुश उनकी शिक्षा दीक्षा की, उन्होंने धनुष बाण सिखाए और उनका वंश चलाने का काम किया। तो किन लोगों को होना चाहिए, किन लोगों का अधिकार होना चाहिए इसमें? राम को तो मैं वापस अयोध्या लाए, भारत लाए, तो जब ये जब माँ सीता मिल गई जब आए तो ये लोग हैं। वाल्मीकि महाराज से कहूंगा कि आप राम मंदिर तो बना रहे, कभी वाल्मीकि मंदिर बना कर देखा है? क्योंकि सीता जी के शील की रक्षा करना, उनके दो पुत्रों को खाने पीने की व्यवस्था करना वाल्मीकि महाराज ने किया, लेकिन यही लोग जो जो सीता जी को छुटवाने में शामिल थे वही मंत्रिमंडल, आज वही मंत्रिमंडल प्राण प्रतिष्ठा में कह रहा है कि जो राम को लाए मुन, तो आप बताइए हम किसको लाए? उन दलितों को लाए जो राम की सहायता करने वाला है, या इन इन पाखंडियों को, झूठे लोगों को लाए? देखिए कि यहाँ पर यही माना जा रहा है कि आप जो अति पिछड़ा समाज है, SC ST के लोग हैं, उन्हें बराबर अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में मिल रहा है कि जो देश का संविधान है ना वो भी खतरे में है भाजपा में, ऐसा कुछ है लग रहा है? देखिए खतरे में पूरा संविधान है, ये लोकतंत्र को खतरे में डाल ले, इसलिए ये एकदम तो ये कुछ कर नहीं रहे, धीरे धीरे देखे रहे हिट कानून लाए, हर कानून बन की लड़ाई हो रही। मोदी को तब तक सुकून नहीं मिलता किसी कानून बनाने के बाद जब दो चार आदमी ना मर जा, तो मैं कह रहा है कि देखने वालों को भाई ये धीरे धीरे ना है, धीरे धीरे कानूनों में चेंजिंग करते जा रहे, संविधान बदल जा रहा, लोगों को पता नहीं लग रहा, सारी सरकारी संस्था प्राइवेट करते जा रहे, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन ये पूंजीपति अपने पैसे के बलबूते पर ना उस चीजों को दबा रहे, दूसरे ये पूंजीपति लोग ना, ये पूंजीपति लोग क्या काम कर रहे हैं कि ये ठेका रेलवे का हमें मिल जाए, BSNL का हमें मिल जाए, तो मोदी के फ्लैगशिप लगवा रहे गांव गांव दर। तो मोदी को एक कहना चाहता हूँ जी, एक फ्लैगशिप बहुत लगवा दीजिए, मैं हाथ जोड़ कहना कि जिनकी शादी नहीं हुआ गांव में रंडो है उनकी शादी के फ्लैगशिप लगवा दे, उनको आपका भाजपा सरकार रंडो की शादी करवाओगी और संत निश्चित होगी, तो ये लोकतंत्र को खत्म करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। और मैं कह रहा देवेंद्र नाम की चीज ना पश्चिम में बहुत बड़ी चीज है, ये रुकने वाले नहीं है, और ये जेल भी रह चुके हैं और वो भी है, देवेंद्र भाई बड़ी चीज है, चंद्रशेखर जैसी चीज है, एक ऐलान करेगा ना पूरा कसब समाज एक झंडे के नीचे आएगा, और आपका लोकसभा ना देवेंद्र जी जीतेंगे, चाहे कुछ हो जाए मुजफ्फरनगर। भाजपा कह रही भारी बहुमत से आ रहे हम। मैडम आप ये बताइए 2 वोट वाला जीतेगा या 14 वोट वाला? आप बताए 14 वोट वाला, बिल्कुल 14% वोट देवेंद्र का है, और दलित भी वोट देगा क्योंकि दलित वोट देगा देवेंद्र भाई, उनसे जुड़े हुए आदमी है दलित, अरब जो कसब एक जगह एक ही जगह एक ही थाले पर खाना खा लेते हैं, तो ये लोग ना अब की बार देवेंद्र चाहते हैं, देवेंद्र मुजफ्फरनगर से होगा, किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए देवेंद्र भाई ने इतनी मेहनत करी, घर घर जा रहे सर्दी में ना, जनवरी की सर्दी में 11 बजे घर जाते हैं और एक स्वेटर में लोगों को समझा रहे, और वहाँ के लोग ना डर कर बताए क्या करते हैं, इन्होंने भाजपा वालों ने ऐसा डर बता रखा है अगर तुम आ जाओगे ना, अगर तुम वोट दोगे तुम्हें मुसलमान मार देंगे, तुम्हारे यहाँ नू हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ भाई हिंदुओं, अगर तुमने माँ का दूध पिया तो अपनी बहन की रक्षा ना इस ताकत से करेंगे हम, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, जो हमारी बहन को कुछ कहेगा ना तो उसको हम जिंदा जला देंगे। भाजपा तो कह रही है कि हिंदू खतरे में, मैं ये हिंदू तो खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है भाई, लोकतंत्र खतरे में, लड़ झगड़ का पता नहीं कितने शहीद होगा, तुमने ये आजादी ली थी और पता नहीं कैसे कैसे संविधान बना, और ये जो लोकतंत्र खतरे में, एक भी बार इस लोकतंत्र को खतरे में आएगा ना फिर इना अडानी अंबानी या जो बड़े बड़े लाला ना अपनी खुद की फौज इकट्ठी कर लेंगे और इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं कह रहा भाई इसे बचा लो 2024 में बचा लो, और अब आपकी हिम्मत है, मैं नुकारा ये आदमी नुकाते ना एक रंडवा पूरे गांव का नाश कर देगा, एक रंडवा ना पूरे देश का नाश कर रहा, और आप लेकिन आप मोदी जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैंने मोदी का कहा, मैंने कहा मोदी जी को, मैंने कहा गांव में नुकाते एक रंडवा पूरे गांव का नाश करते है, एक रंडवा ना चाहे तो पूरे देश का नाश कर सकता है, मैंने नाम नहीं लिया। चलिए यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब मिलता हुआ नजर आया है कि यहाँ पर किस तरीके से जो जनता है लगातार आरक्षण की बात यहाँ पर करती नजर आती है, सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कितना दिख रहा है कितना नहीं आप लोग भी अच्छे से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, देखते ही लीजिए भारत।